देख रहे हैं कबीर न्यूज़, मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। ये लॉकडाउन गरीब मजदूर और श्रमिकों के लिए काल बनकर आया है। अब श्रमिकों के लिए एक और बुरी खबर है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों को पूर्ण पारिश्रमिक नहीं देने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निजी प्रतिष्ठानों की याचिका पर अपना आदेश सुनाते हुए राज्य सरकारों से कहा कि उद्योगों और श्रमिकों को एक दूसरे की जरूरत है और उन्हें वेतन के भुगतान का मुद्दा एक साथ बैठकर सुलझाना चाहिए। राज्य सरकारें उद्योगों और श्रमिकों को समाधान की प्रक्रिया की सुविधा मुहैया कराएं और इस बारे में संबंधित श्रमायुक्त के यहां अपनी रिपोर्ट पेश करें। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रम विभाग के मार्फत उसका आदेश प्रेषित करके समझौता प्रक्रिया शुरू करें। साथ ही इस प्रकरण में जारी सर्कुलर के लिए 4 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। जिस सर्कुलर में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान निजी प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को पूरा पारिश्रमिक देंगे, पीठ ने सर्कुलर की वैधता को चुनौती देने वाली तमाम कंपनियों की याचिकाओं को अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। क्या था उस सर्कुलर में, आपको बताते चलें कि इस कोरोना के पहले लॉकडाउन के चरण में गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा था कि सभी कंपनियों और नियोक्ताओं को निर्देश दिया था कि वे अपने यहां कार्यरत सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बगैर किसी कटौती के लॉकडाउन की अवधि में पूरे पारिश्रमिक का भुगतान करें। इसके बाबत श्रम एवं रोजगार सचिव ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था, जिसमें नियोक्ताओं को यह सलाह देने के लिए कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वे अपने कर्मचारियों को नहीं हटाएं और ना ही उनका पारिश्रमिक कम करें। हालांकि पीठ ने इस सर्कुलर की वैधता को चुनौती देने वाली तमाम कंपनियों की याचिकाओं को अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। सुनवाई में क्या कहा गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने न्यायालय से कहा था कि 29 मार्च का निर्देश लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों और श्रमिकों, विशेषकर संविदा और दिहाड़ी कामगारों की वित्तीय परेशानियों को कम करने के इरादे से एक अस्थायी उपाय था। इन निर्देशों को 18 मई से वापस ले लिया गया है।